जो ड्रिल के साथ काश्त करते हैं उसका तरीकाकार क्या है। उसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मीन की तैयारी कि ज़मीन की तैयारी जब आपने करनी है तो आपकी रौनी जो है रौनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर हो सके तो डबल रौनी करें ताकि उसमें दो फायदे हो जाते हैं। एक तो जड़ी बूटियां जो उगनी होती हैं उनकी तादाद कम हो जाती है, उगके मर जाती हैं जब आप दूसरी रौनी करते हैं। तो दूसरी बात यह है बीज को वक्त चाहिए, वो देर पा वहाँ पर रहता है जिसकी बदौलत आपका बीज जो है वो अच्छा उगता है। इसकी तैयारी जब आप करेंगे, इसको हल लगाएंगे, हल लगाने के बाद वत्तर एक अच्छे लेवल पे जब होगा तो उसके ऊपर आपको सुहागा जो है जो हल के पीछे डाल के आप करें ताकि आपका जो इसमें ज़मीन के अंदर जो वत्तर है वो वत्तर ड्यू टू गर्मी की वजह से वो ड्राई अपना हो। वत्तर को हमने दबा के रखना है ताकि हमारा जो सीड है उसको पूरा जो है मॉइस्चर मिल जाए, पूरा उसको जर्मिनेशन के लिए माहौल मिल जाए ताकि हमारा जितना सीड हम डालें तो सारे का सारा जो है वो इसमें बाहर आ जाएगा। बजाई हम ड्रिल के साथ करेंगे तो इसमें ड्रिल में जो बीज डालते हैं जहाँ पर बीज की जो हमारी जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट भी देती है वो बीज जो है ड्रिलिंग बीज की क्वांटिटी जो है वो 10 से 15 किलो जो है वो आप डालेंगे। आप ड्रिल के साथ ही उसमें खाद डालें क्योंकि जो आपकी ड्रिल है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक खाद वाला हिस्सा होता है एक बीज वाला हिस्सा होता है। तो खाद जो है वो ड्रिल के साथ दें ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो हम बीज लगा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले। कोशिश किया करें कि जो ड्रिल हमने करनी है वो या तो सुबह के टाइम पे करें या शाम के टाइम पे करें, दोपहर के वक्त ना करें क्योंकि दोपहर के वक्त जब ये चलेगा तो इसका मॉइस्चर जो है वो उड़ने का मॉइस्चर एवेपोरेट होने का उड़ने का ज़्यादा चांस बन जाता है जिसकी वजह से हो सकता है कि जर्मिनेशन में वो गैप आए। इसमें भी आप जब आप अर्ली लगा रहे हैं अप्रैल में अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला 1.25 फुट ही रखेंगे, 1 से 1.25 फुट, और जब आप मई में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला 8 से 9 इंच आप रखेंगे। इस तरह आपकी जो पौधों की मतलूबा तादाद है जैसे मैंने बताया कि जो अप्रैल में लगाएंगे वो 16,000 तकरीबन जो पौधा है वो आपके खेत में होना चाहिए, जब आप मई में लगाएंगे तो आपका तकरीबन 18,000 पौधा जो है वो खेत में मौजूद होना चाहिए।